जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां शनिवार को ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह मैदान से सभी मस्जिदों में ईद की नमाज हकीकत के साथ अदा की गई। आपको बता दें कि ईदगाह मैदान में ईद की नमाज सुबह 7 बजे यूपी के संभल से आए मौलाना मुस्तफ़ा हसन ने ईद की नमाज अदा करवाई। इससे पूर्व उन्होंने तकरीर पेश की और कहा कि ईद का पर्व अमन चैन भाईचारे का पैगाम देता है और सभी लोग मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और बिछड़े हुए भी एक दूसरे से अल्लाह की रजा से आपस में मिल लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगम्बर मोहम्मद साहब ने इंसानियत का जो पैगाम दिया है उसे हमें आम नागरिक तक पहुंचाना होगा ताकि लोग इस्लाम मजहब को सही तरीके से मुखातिब हो सके। इसके बाद उन्होंने सामूहिक रूप से दो गाना नमाज अदा करवाई और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाकर मुल्क में अमन चैन व भाईचारे के लिए दुआ खैर की गई। इस दौरान शहर की सभी मस्जिदों में 7:30 ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईदगाह मैदान में स्थित सामूहिक हॉल में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम संस्थान के तत्वाधान में ईद मिलन समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल अजीज, मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा, अंजुमन सदर हाजी नवाब अली रांदड़, कांग्रेस नागौर कमेटी के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, कांग्रेसी नेता इरफान अली चौधरी, मकराना पुलिस उपाधीक्षक रविराज सिंह, थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट, जेवन राजस्थान न्यूज़।